आजकल ऐसे कई प्लांट हैं जो आकर्षक बनावट और कम देखभाल के चलते इन्हें इंडोर प्लांट्स के रूप में खूब पसंद किया जाता है। उन्हीं में से एक है सेक्यूलेंट प्लांट, जिसका अर्थ होता है रसीला। इसलिए इस प्लांट को रसीला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। खासकर इसे लोग ऑफिस टेबल, घर की खिड़की आदि जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस प्लांट को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी कमल या विष्णु कमल के पौधे से। तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल पौधा लगाने से पहले तो घर में शांति आती है। दूसरा, ये लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद लाते हैं। ये आपके घर में पैसे की दिक्कत और आर्थिक स्थिति को सही करते हैं। इससे इसे लगाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है और पैसों से ज़्यादा घर में संपूर्णता और समृद्धि आती है। इन पौधों को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर के जो वास्तु दोष हैं वो दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। इसलिए इस पौधे को आप घर में ज़रूर लगाएं। अब नंबर दो पर बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। तो घर में समृद्धि के लिए लोग मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पाइडर प्लांट को ज्योतिष के साथ ही फेंगशुई के हिसाब से बहुत भाग्यशाली कहा जाता है, जो अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। अगर आप मनी प्लांट के साथ ही स्पाइडर प्लांट को रखते हैं तो ये दोगुना फायदा देता है, साथ ही धन की आवक को भी बढ़ाता है। इस प्लांट को आप उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं, ये इससे बेहद ही शुभ फल देगा। नंबर तीन पर बात कर लेते हैं पोटली का। तो इसे किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है, ये भी बेहद ही शुभ होता है। और अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि पानी गमले में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो इसकी डंडियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं और गमले में अगर पानी ठहर जाता है तो ये वहीं से गलना शुरू हो जाते हैं। इस पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही घना होते चले जाता है। तो कम केयर में बढ़ने वाले इस पौधे को भी आप घर में अवश्य लगा सकते हैं। अब नंबर चार पर बात करते हैं जेड प्लांट की। तो ये प्लांट भी कुबेर प्लांट की तरह बेहद ही लकी होता है। और क्या आप जानते हैं इस प्लांट को कुबेर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये प्लांट होता है धन बरसाने वाला। इस पौधे के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बेहद ही शुभ फल देने वाला ये प्लांट आप घर में अवश्य लगाएं, मनी प्लांट से भी ज़्यादा बरकत ये प्लांट देता है। तो जेड प्लांट एक सक्युलेंट प्लांट है जो समृद्धि, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्लांट को भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। अब नंबर पाँच पर बात करते हैं एलोवेरा की। तो एलोवेरा का पौधा नौकरी मिलने और कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करता है। वास्तुशास्त्र के नज़र में एलोवेरा को काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे आप घर के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। वहीं बता दें कि स्किन के लिए भी एलोवेरा बहुत ही अच्छा माना गया है। कई तरह की स्किन प्रॉब्लम को आप एलोवेरा के थ्रू सही कर सकते हैं। ये एक सक्युलेंट प्लांट है और आसानी से किसी भी जगह पर लग जाता है। ज़्यादा इसमें केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती, तो इसे भी आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। अब नंबर छः पर बात करते हैं स्नेक प्लांट की। तो ये प्लांट भी एक सक्युलेंट प्लांट है और ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है एयर प्योरीफाइंग में। जी हाँ दोस्तों, स्नेक प्लांट एयर प्योरीफाइंग का काम करता है, इसलिए घर में लगाना बेहद ही अच्छा माना जाता है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए तो स्नेक प्लांट को घर में लगाना शुभ माना गया है। इसे घर के दक्षिण पूर्व कोने या फिर पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ये पौधा घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको हटाकर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है। तो इस पौधे को भी आप घर में अवश्य लगाएं। अब नंबर सात पर बात करते हैं जेब्रा प्लांट की। तो ये प्लांट भी एक सक्युलेंट प्लांट है और इसे जेब्रा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी पत्तियों पर जेब्रा की तरह ही सफ़ेद कलर की धारियाँ होती हैं। देखने में ये प्लांट एलोवेरा की तरह ही होता है और उसी की तरह ही इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। कम केयर में और कम पानी में लगने वाला ये जेब्रा प्लांट भी आप घर में लगा सकते हैं। एलोवेरा की तरह ही इसे थोड़ा सा तोड़कर आप कहीं भी लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा, इसलिए इस पेड़ को भी आप घर में आसानी से लगा सकते हैं। तो ये थे सात सक्युलेंट प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से लगने वाले।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं।